नमस्ते। निष्पक्ष निर्णय लेने की दक्षता की श्रेष्ठ उत्कृष्ट पराकाष्ठा को प्राप्त प्रतिष्ठित पदों के श्रेष्ठ निर्णायक मंडल गणों को नमन करते हुए मैं गौतम, पत्रकारिता का छात्र, आज वर्तमान चुनौतियां और युवा वर्ग इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम जब 2021 में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सर्वाधिक युवाओं की आबादी वाला देश है। भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले लोगों की है। और इस बात को याद करके मुझे अतीत के कुछ पन्ने स्मरण करा रहे हैं कि महर्षि दयानंद अक्सर इस बात को कहा करते थे कि युवा शक्ति जो किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा उसके सर्वांगीण विकास की आधारशिला होती है। यदि यह युवा शक्ति अपने मार्ग से विचलित हो जाए, अपने मार्ग से विमुख हो जाए, अपने मार्ग से पदभ्रष्ट हो जाए तो किसी भी देश के पतन का कारण हो सकती है। और यदि यही युवा शक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में सदुपयोग कर ले तो भारत जैसे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराकर वैश्विक पटल पर गौरव भी दिला सकती है। लेकिन इन्हीं बीच आज भारत के युवा के सामने चुनौतियों का अंबार है। भारत के युवा के सामने चुनौती है परेशानियों की, भारत के युवा के सामने चुनौती है हैरानियों की, भारत के युवा के सामने चुनौती है बीमारियों की, भारत के युवा के सामने चुनौती है चिंता की, भारत के युवा के सामने चुनौती है तनाव की, अवसाद की, भारत के युवा के सामने चुनौती है गिरते हुए परिवार की, टूटते हुए समाज की, बिखरते हुए इंसान की और पतित होते हुए मनुष्य की। और आज जब हम परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक जयंती पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हम स्मरण करते हैं कि पूज्य गुरुदेव अपने कथनों में इस बात को कहा करते थे कि युवा शक्ति भारत की, दुनिया की एकमात्र ऐसी युवा शक्ति है जिसके पास नया खून है, जिसके पास नया जुनून है, जिसके पास नई दृढ़ता है, जिसके पास नया शौर्य है, जिसके पास नया पराक्रम है, नई तरंग है, नई उमंग है, जिसके पास धीरता है, दृढ़ता है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज भी है, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता भी है और आकाश जैसी विराटता है, तो ये युवा वर्ग, दुनिया का एकमात्र युवा वर्ग आपको भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन आवश्यकता है तो इस युवा वर्ग की ऊर्जा को सही सकारात्मक दिशा में लगाने की। भारत के युवा के अंदर यदि 7 सिद्धांतों को विकसित कर दिया जाए तो भारत के युवा को किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते थे। और वो 7 तत्व थे राष्ट्रवादिता, पराक्रमशीलता, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, मानवतावाद, अध्यात्मवाद और विनयशीलता। आज सही मायनों में यदि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को युवा वर्ग अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो युवा किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए स्वयं को सक्षम बना सकता है। और मैं इन्हीं बातों को कहना चाहता हूं कि युवा को अपने भीतर पूज्य गुरुदेव और तमाम महापुरुषों के दिए हुए विचारों को आत्मसात करना चाहिए ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।